हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। तो चलिए आज हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या आप कमजोरी महसूस करने लगे हैं? पहले आप कोई काम करते थे तो आप जल्दी थकते नहीं थे, बट अभी आप जल्दी थक जाते हैं। आपको आलस आने लगा है, आपको नींद ज्यादा आने लगी है या फिर नींद कम आने लगी है, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है या फिर आपके सर में दर्द रहता है, आपको कुछ ऐसी शिकायत होती है कि आपको कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ सुनाई दे रहा है बट रियल में वो आवाजें नहीं होती, आपका जो नजर है वो कमजोर पड़ने लगी है पहले से, आपके मसल्स में क्रैम्प आने लगा है, मसल में कुछ झुंझुनाहट सी फील होती है, अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत होती है तो हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। स्टार्टिंग में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने पे डॉक्टर हमें कुछ गोलियां लिख के देते हैं, वो गोलियां लेने से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो पूरी हो जाती है, बट कुछ लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें कुछ इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीकोबलामाइन नाम का ये इंजेक्शन लेने से विटामिन B12 की कमी पूरी होती है। बट मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप नेचुरल वे में जाएं, आप नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट पे विशेष कर ध्यान दें। जो लोग भी शाकाहारी हैं उन्हें अपने खाने में दूध और साथ में दही जरूर शामिल करना चाहिए, उसमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है। साथ में जो लोग भी नॉन वेज खाते हैं, मांसाहारी हैं, वो अपने खाने में चिकन, अंडा और सी फूड शामिल कर सकते हैं, उसमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं भी है, फिर भी आपको विटामिन B12 लेना चाहिए, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा उसके शरीर में जमी हुई चर्बी, जो वसा है, जो फैट है, वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सके, क्योंकि विटामिन B12 का यही तो काम होता है, जो भी वसा होती है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करे और आपके शरीर में ज़्यादा चर्बी जमने ना दे, ताकि आपका मोटापा ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको ना आए। इसलिए अगर आपके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उसको बनाने में, और आप जो खाना खाते हैं, जो मान लीजिए आप चपाती खा रहे हैं या फिर आप चिकन खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं, तो वो खाने के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को आपके मसल्स तक जो लेके जाता है, वो जो पोस्टमैन का काम करता है, आपकी जो चिट्ठी होती है, मान लीजिए आपका जो प्रोटीन है वो जो एक चिट्ठी है, वो पोस्टमैन की तरह उस चिट्ठी को आपके मसल्स तक पहुंचाता है, उसके पीछे हाथ होता है विटामिन B12 का। तो आपको इसलिए विटामिन B12 लेना आपके लिए ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फिर नहीं, आपको विटामिन B12 हमेशा लेना ही होता है, या आपके बॉडी को हर एक नर्व्स को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने। अमेरिकन एक्सपर्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर मरकोला, उन्होंने भारत में आके एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने पाया था कि 80% लोगों के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो ये जो विटामिन B12 है, ये सीधा सीधा नर्वस सिस्टम को रिलेट करता है, ये इसका कमी से हमारे जो मस्तिष्क है उसमें प्रभाव पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। उन्होंने कहा था कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब जानलेवा हो सकती है विटामिन B12। डॉक्टर मरकोला के अनुसार विटामिन B12 के जो कमी का जो पता चलने में बहुत साल गुजर जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, कमी का पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर जो उसकी कमी को किस तरह से पता लगाना है, उसके लिए मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो आपको देखनी पड़ेगी, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे लक्षण बताए थे, लगभग 14 लक्षण मैंने आपको ऐसे बताए थे जिसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि आपको बॉडी में विटामिन B12 की कमी है या फिर नहीं। और मैंने आपको कुछ टेस्ट भी बताए थे, वो टेस्ट भी करवा सकते हैं आप, उन टेस्ट को करवाने से आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है या फिर नहीं। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, अगर आपको पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे थे। आपको अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, तब तक खुश रहिए, आप सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।